दमोह जिले के तेंदुखेड़ा अनुविभाग की पुलिस टीम ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। इस बार इन्होंने 27 मील पर जबलपुर क्षेत्र से आने वाले दर्जन भर से अधिक जुआड़ियों को रात के अंधेरे में लाइट जलाकर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ने के बाद में 2 लाख से अधिक की रकम बरामद की है। जुआड़ियों के द्वारा उपयोग की जा रही एक कार के अलावा 3 बाइक और 12 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। तेंदुखेड़ा अनुभाग की इस टीम में तेंदुखेड़ा थाना पुलिस के अलावा तारादेही नोएडा तेजगढ़ की टीम भी शामिल रही। ये 21-22-11-21 के दरमियान रात विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि 27 मील के पास जंगल में जबलपुर एवं और दूसरे जगह के जुआड़ी जुआ खेल रहे हैं, काफ़ी संख्या में एकत्र हैं। इस सूचना पर थाना नोएडा से विकास सिंह उपनिरीक्षक, थाना प्रभारी विकास सिंह और तारादेही से उपनिरीक्षक श्याम बेन तथा तेजगढ़ से ASI दामोदर साहू और तेंदुखेड़ा का बल और इन थानों के बल के साथ में रेड किया गया, जिसमें 13 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया और 2,11,510 रुपये की राशि, ताश पत्ते और लाइट जो जिसकी रोशनी में खेल रहे थे वो लाइट तथा एक किया कार और 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। इनके विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया, कार्रवाई की जा रही है। सर कोई मोबाइल भी हुई है? 12 मोबाइल जब्त किए गए हैं।